आज का वीडियो में मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो प्रॉब्लम ये है कि पिक्सल लैब ऐप में अब फॉन्ट ऐड नहीं हो रहा है, चाहे वो हिंदी टेक्स्ट हो चाहे वो इंग्लिश हो। जब भी हम पिक्सल लैब ऐप में फॉन्ट को ऐड करने जाते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। मैं आप लोगों को चलिए होम स्क्रीन पे जाकर के दिखाता हूं। मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया हूं, तो आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर मैं पिक्सल लैब ऐप में जाता हूं, जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद इधर स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एबी फॉन्ट, इस तरह को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माई फॉन्ट पर जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा है नो डिलीटेबल फॉन्ट्स फाउंड टू ऐड योर कस्टम फॉन्ट्स प्लेस देम इन वन द ऑफ फॉलोइंग डायरेक्टरी, इस तरह का कोई ऑप्शन आने वाला है। यहाँ पर आप कितना भी कोशिश कर ले यहाँ से जाकर के आपका फॉन्ट ऐड नहीं होने वाला है। सिंपली आपको करना क्या है मैं ये आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का होम स्क्रीन में आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पिक्सल लैब ऐप, इसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है। मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। इसको मैं अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सर्च करना है ऑप्टो डाउन, ऑप्टो डाउन करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्टो डाउन का ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाने वाले हैं। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि ये प्रॉब्लम न्यू वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन में आ रहा है। आप इसका ओल्ड वर्जन डाउनलोड करते हैं तो आपका पिक्सल लैब ऐप में फॉन्ट ऐड होगा। मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सर्च वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको लिखना है पिक्सल लैब, और एक भी वर्ड मीनिंग आप यहाँ पर मिस्टेक ना करें, नहीं तो आपका जो पिक्सल लैब ऐप है वो यहाँ पर शो नहीं करने वाला है। तो ध्यान से यहाँ पर लिखना है PIXELLAB, पिक्सल लैब करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाने वाला है। यहाँ पर लिखा रहेगा गेट द लेटेस्ट वर्जन, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। छोटा सा कॉर्नर में यहाँ पर आपको दिखेगा ओल्डर वर्जन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सारा वर्जन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, देख सकते हैं। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यहीं से वीडियो छोड़कर चल जाते हैं तो आपका फिर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्जन वर्क कर रहा है कौन सा वर्जन वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें से मैं 10 वर्जन को डाउनलोड किया था, 10 में से एक वर्जन जो वर्क कर रहा है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते आना है और आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है 1.9.8 July 24, 2020 का है वर्जन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस होने लगेगा, इसको आपको डाउनलोड होने देना है। डाउनलोड होने के बाद मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर से जाकर के आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसका काम यहाँ से खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्सल लैब ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपको फिर से जाना है क्रोम ब्राउजर में फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, द फॉन्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ द फॉन्ट, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाले वेबसाइट पर द फॉन्ट पे आपको विजिट हो जाना है। उसके बाद आपके सामने कई तरह का, बहुत तरह का यहाँ पर आपके सामने फॉन्ट शो हो जाने वाला है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ये फॉन्ट को ऐड करने वाला हूँ, ये नूट बटर कुछ करके है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से आपको भी डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर दिख रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन, ये देख सकते हैं कि ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में फाइल में जाना है। तो मैं इसका मोबाइल में फाइल में जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, आपने डाउनलोड किया है आपका डाउनलोड का ऑप्शन में यहाँ पर सेव हो गया हुआ है। गाइस तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैं फॉन्ट को डाउनलोड किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है मेरा फाइल में, न्यूट बटर नाम करके ये, लेकिन ये जीप फाइल में है तो इसे कन्वर्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है या कॉम्प्रेस करना है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, एक्सट्रैक्ट टू फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं जिस भी फाइल में एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ उस फाइल में मैं कर सकता हूँ, मुझे खोजने में आसानी होगा। तो मैं यहाँ पर बनाया हूँ द फॉन्ट करके कुछ, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ये जो मेरा फॉन्ट है जिप फाइल से हट गया। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है अपने पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएंगे तो आपको अलाउ कर देना है।
उसके बाद आपको ए वाले फॉन्ट पर जाना है। उसके बाद इधर स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ए बी फॉन्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माई फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, सेकेंड वाले फाइल का ऑप्शन दिख रहा है प्लस प्लीज कर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं द फॉन्ट में सेव किया था, इसमें मैं जाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद देख सकते हैं कि जो मैं फॉन्ट ऐड किया था यहाँ पर शो कर रहा है। आपको इस पे क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड डायरेक्ट कर देना है। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं कि जो मेरा फॉन्ट है ऐड हो गया। आप भी इसी तरह से अपना फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं।